गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू महादेव फैमिली। अभी सुबह सुबह 7:30 हो रहे हैं और मेरा काम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और लंच का ये सारा कुछ बनाना पड़ रहा है। तो अभी एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पर देखो ये लाए हैं बनाना, क्योंकि इन दोनों के पापा गए थे सब्जी मंडी और वहाँ से लेके आए बनाना। और अभी अंदर आ रहे हैं क्रेट लेकर। इसमें क्या लेके आया आप? ये देखो दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत, बहुत बढ़िया। और ये क्रेट लेके आए भर करके। वापस करना पड़ेगा मेरे को किन्नू का। क्या क्रेट करना पड़ेगा? दूसरा वाला है ना, बार है ना। हाँ, हाँ, वो कर देता हूँ खाली इसमें। हाँ, है ना। हाँ, और क्या लेके आए? बस यही है कि और भी है? और पपीते। पपीता मैं उतार रहा हूँ, जा रहा हूँ खाने के लिए। अच्छा, ओके। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं बहुत ही बड़े बड़े साइज के किन्नू। मोस्टली हम लोग सब्जी मंडी से इकट्ठा ही फ्रूट्स वगैरह लेते हैं और दुकान से भी लेते हैं। ज़्यादातर हम लोग जो है सब्जी मंडी से लाते हैं फ्रूट्स। और अभी वो जा रहे हैं पपीता लाने के लिए, क्योंकि गाड़ी में रखा हुआ। फ्रेंड्स, अभी मैं यहाँ पर आई थी पानी गर्म करने के लिए कैटल में, तो क्योंकि पानी चाहिए होता है। और देखो साथ में आगे दोनों के पापा ये लाए यहाँ पर बहुत सारे पपीता है। ये अच्छा ठीक नहीं है, कच्चा है थोड़ा ना। हाँ, अगर ज्यादा तैयार वाला भी अच्छा नहीं रहेगा। एक दो पीस ज्यादा तैयार है ना, इनको पहले खा लेंगे। जो दवाई लगी है इसमें, जल्दी हो जाएगा तैयार होकर शुरू आएगी। ये तैयार वाला खाना पहले कौन सा निकाल लो आएगा ना, शाम को निकाल के उसके लिए दे देना। दवा थोड़ा तैयार लग रहा है मेरे को, क्योंकि खराब हो जाएगा नहीं तो। निकाल दो इसको, रख दो साइड में। हाँ, साइड में रख देता हूँ, नोनू आएगा तो फिर काटेंगे इसको, है ना। ये लेके आई हूँ फ्रेंड्स बहुत सारा मैल मैं, और वो डालूंगी मैं उस गड्ढे के अंदर जहाँ पर मैंने ऑलरेडी बहुत सारे छिलके और घास जो मैंने क्यारियों से निकाली थी पालक और मेथी के बीच से, तो इसको मैं यहाँ पर डालूंगी। फिर उसके बाद डालूंगी क्यारियों में, क्योंकि ये जो मैल है इसके ऊपर डालने से ना जो है और ज़्यादा मैल बन जाएगा। ये देख सकते हैं सड़ी हुई मैल है ये, और फिर इनको मैं डालूंगी अपनी क्यारियों में, इस साइड जहाँ मेरे प्लांट लगे हुए हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी। फ्रेंड्स, अभी मैं ट्यूशन भी लेती हूँ बच्चों की, कोरोना की वजह से काफ़ी कम बच्चे मैं ले रही हूँ। तो अभी मेरे पास आए हैं दो बच्चे, डीएवी से है अक्षत, और मोबाइल इसलिए साथ में लेके आया हुआ है क्योंकि इसको कुछ वर्क जो है मोबाइल से भी करना पड़ता है, क्योंकि पहले ऑनलाइन क्लासेस थी। तो फिर इसने मुझे कहा कि मेरे में जो है डेटा कम है, तो आप प्लीज़ वाईफाई दो। तो हमने जो है वाईफाई की फैसिलिटी भी अपने बच्चों को रखी हुई है ट्यूशन्स में, अगर इन केस उनके पास डेटा कम है तो मैं वो प्रोवाइड कर दे। साथ में यहाँ पर है एक छोटा सा बच्चा, बड़ा क्यूट सा है, अर्नव, और इसके अभी ऐसे टू लगने वाले हैं। इसकी होगी आज अच्छी खासी पिटाई, क्योंकि मैंने रखा है डंडा साथ में, क्योंकि ये नोटी ज़्यादा हो गया है और लर्निंग वर्क में ध्यान कम दे रहा है। तो और भी मेरे 3-4 बच्चे और भी आने वाले हैं, तो उनसे भी मैं आपको थोड़ी देर में मिलाती हूँ, क्योंकि उनका टाइमिंग कुछ और है। तो अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ ट्यूशन्स में, नोनों के पापा गए हैं किचन में, क्योंकि वो बोल रहे थे चाय के लिए। हम लोग तो चाय नहीं पीते हैं, लेकिन देखते हैं अंदर वो क्या कर रहे हैं। नहीं भी नहीं, क्यों? मैं बना रही हूँ वीडियो आपका। चाय का वीडियो, चाय का वीडियो। ये देखिए, ये डाल दिया ये चाय की पत्ती, और क्या डाला? और इसमें डालेंगे अदरक जो हमने डाल दिया पहले, ये शुगर 3 चम्मच और 4 चम्मच ज्यादा, 3 चम्मच। इसके बाद इसको बॉईल करेंगे और बाद में डालेंगे थोड़ा सा दूध। अच्छा, अब पाई लेने के लिए। तो अभी वो टाइम 4 बजने बोला था, तब हमें नीचे नीचे आओगे, ऊपर चढ़ा। अभी किस चीज़ की छुट्टी इन्होंने कर ली? रविदास जयंती की। दोस्तों, हम लोग आए इस रास्ते से क्योंकि दूसरे रास्ते में ट्रैफिक होती है और मामा मेरे को ट्रैफिक में बुलेट चलाने के लिए मना करती है, तो मैं अब यहाँ से बुलेट चलाऊंगा।
रोए आज मार पड़ी है स्कूल में आँख में गया कुछ ना, आज मार पड़ी है इधर देख मेरे को क्यों पड़नी मार, इधर का सैनिटाइज करने दो, अच्छी खासी मार पड़ी है आज की नहीं है, इधर देख वाला किस चीज के लिए, मेरे को क्यों पड़नी मार, टेस्ट टेस्ट के लिए है ना, हाँ और जैसे यार खड़े हो सीधा रख इसको, अपना कर नहीं तो तेरे को डंडा परेड होगी, आज मिला है नुनू का टेस्ट, इसको पड़े डंडे और इसने लिए 15 आउट ऑफ 15 डंडे बड़े बिट्टू पिटाई करूं प्यार करूं, अच्छा गुड बॉय, लिखो तो जल्दी जल्दी राइट करो, कर रहे हो 200 रुपए का पेन है ऐसी, क्यों पापा ने बोला 200 रुपए का पेन है, बोला 60 रुपए का है, 60 रुपए का, 60 रुपए का क्या चीज है पेन, कौन सा इरेजिंग इंक वाला पेन है, हां नाम तो उसका पता नहीं बट हां मम्मी पे कर रहे हो क्या हो गई मम्मा ट्यूशन, हां जी बेटा हो गई, कितने बच्चे आए थे, 4-5 आए थे, अच्छा तो क्या टाइम हो रहा है, टाइम तो मेरे ख्याल से पता नहीं 6 बज गए होने इस टाइम पे, इतनी लेट ट्यूशन, एक्चुअली यार दो बच्चे जो थे उनके पेरेंट थे आए हुए साथ में ना, कहाँ 6:30 हो गए माय डियर, तो आज खाने को क्या बन रहा है, खाने को क्या बन रहा आज, पापा बनाएंगे मसर की दाल, पापा ने बोला क्या कहते हैं मसर की दाल बनानी है मैंने, तो गाइस अब हम जा रहे हैं गाड़ी को पार्क करने के लिए, ये हमारा गैरेज है, आपको थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा होगा क्योंकि अंधेरा हो चुका है, ये करती है पापा ने गाड़ी स्टार्ट, ये होगी गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन, जा रही है गाड़ी अंदर, गाइस गाड़ी आराम से अंदर चली जा चुकी है, थोड़ी अंदर और अंदर और अंदर और अंदर, बस देखते हैं कि मम्मा क्या कर रही है, ये देखिए ये है गुप्त दरवाजा, कहाँ है गुप्त दरवाजा, जाली है ये, क्लियर तो आई ही ना होगा इसमें से, क्या कर रहे हो आप मम्मा, मैं थोड़ा सी तैयारी कर रही हूँ ना, फिर पापा ने बोला मैं बनाऊंगा मसर की दाल, तो फिर मेरे को मत बोलना बनाने के लिए, तू और पापा करते रहो जो करना ना, तू और पापा ने मेरे को अपना हिस्ट्री कवर करना है ना, इसलिए पापा करेंगे, रेडी हो पापा, क्या नहीं आपने तो बोला था खुद मैंने बनानी माल का मसर, ये मम्मी का हो चुका है पोपट, मम्मी यार आप लोगों को मजा नहीं आता तो मेरे को भी मजा नहीं आता ना अपने हाथ से, तू ज्यादा हीरो मत बन, अच्छा तो अब क्या ही कर सकते हैं, मम्मी का हो चुका है बहुत बुरा वाला पोपट, अब मम्मी को बनाने पड़ेगी दाल, इस देखिए आग जल चुकी है, ले पी ले, ये मेरे को बचपन में क्या 1-2 साल पहले मिला था, एक सड़क पे मैं इसे उठा के ले आया तो मम्मा ने कहा कि हम इसे नहीं रख सकते, तो मैंने इसे यहीं छोड़ दिया, तब से ये मेरे पास यहाँ आता है खाना खाता है और यहीं कई कई बार यहीं सो जाता है, दोस्तों ये देखिए मेरे नोनो का दोस्त, जैसे कि डॉग वेरी फेथफुल होते हैं उस तरह से ये बहुत ज़्यादा फेथफुल है, जब मेरा बेटा काफ़ी ज़्यादा बीमार था उस टाइम पे ये डेली आता था इसको नोनो को मिलने के लिए, और मैं इसको दूध देती हूँ डेली सुबह, लेकिन ये जब तक नोनो के हाथ से दूध ना ले ले ना तब तक ये जाता नहीं है, जैसे मॉर्निंग में मैंने इसको दूध दिया था ये फिर से दोबारा से आ गया इसके पास दूध पीने के लिए, इसको बहुत ज़्यादा प्यार करता है और नोनो भी इसको बहुत ज़्यादा प्यार करता है और डेली इसको एक कप दूध का देता है, नोनो के पापा ने बोला झूठ मैं बनाऊंगा मसर की दाल और बनाई है नहीं, दोस्तों ये था आज का छोटा सा ब्लॉग, और आज हम कहीं पर नहीं गए थे क्योंकि मैंने अपनी जो किचन गार्डन की क्यारी है वो साफ़ करी और लेके आए वहाँ से बैल, और अब मैं बना रही हूँ डिनर मसर की दाल और चावल बना रही हूँ, तो नोनो के पापा ने बोला झूठ, और मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, देखते रहिए महादेव फैमिली और अपने दोस्तों को भी दिखाइए, बाय बाय।